जैसा कि आप सभी परिचित हो क्रॉप डॉक्टर का, आपने सभी लोगों ने एक कोर्स भी किया होगा हमारे साथ में 90 दिन का। आप सभी जानते हो, किसान पाठशाला को भी जानते हो, डॉक्टर बलराम किशन को भी जानते हो। अभी हमें जो आगे क्रॉप एज ए क्रॉप डॉक्टर जो वर्क करना है, इसके साथ में हमें क्या मतलब क्या करना है, फील्ड पे किसानों के साथ में क्या करना है, इसी के लिए हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप आज रखा है। आदरणीय प्रभु जी, हमारा उद्देश्य था क्रॉप डॉक्टर बनाने के लिए कि जैसे अभी सभी तरफ जो केमिकल खेती हो रही है, केमिकल खाद जा रहा है, पेस्टिसाइड जा रहा है, इसके बावजूद मतलब सब खेती बंजर होने जा रही है, प्रमाण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नापिक हो रही है, और बहुत सारे कैंसर जैसे बहुत सारी भयानक बीमारी भी अभी फैल रही है। तो इसके लिए जैसे हमें इंसानों के डॉक्टर मिलते हैं जो हमारे बीमारी ठीक करते हैं, वैसे अगर इंसानों के डॉक्टर की संख्या कमी कम करना हो तो हमें क्रॉप डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में लाना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेंगे, फसल पे काम करेंगे, अपने खेती के लिए काम करेंगे, और साथ में किसानों का जो खर्चा बढ़ रहा है केमिकल खाद और पेस्टिसाइड के वजह से उसको भी कम करेंगे। हमारा किसान पाठशाला का ये उद्देश्य ही है, किसान खर्चा ज़्यादा और उत्पादन ज़्यादा, उनका खर्चा भी कम हमें कम करना है और उसके उत्पादन को भी हमें बढ़ाना है। तो इसके साथ में जो क्रॉप डॉक्टर बन के हमें फील्ड पे काम करना है, आपको जो उसके लिए ट्रेनिंग लगेगा, जो आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ से। हमारे साथ में अभी राजस्थान से बलवान जी है, वो आपसे बात करेंगे, और ज्ञान सिंह है राजस्थान से, वो बात करेंगे, और बलवान जी हरियाणा से, वो आपको कुछ परिचय देंगे, वो लीड करेंगे। बाद में हमारा जो मुख्य अतिथि है प्रभु जी, वो दो शब्द ये भी बनवाना है। श्री बाबरी जी मेवाड़ का स्वागत है। बॉल बांध दो, बॉल 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 पंखा चालू कर लो, ये फटाफट जब तक हो रहा है पंखा चालू कर दो आवाज़। अभी कोई बातचीत तो कर नहीं रहा है, अभी तो बलवान जी का स्वागत हो रहा है, इनको भी राजस्थानी बना देंगे वो। Gracias.
किरण जी हेलो 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 चेक हेलो 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 23 साल तक एयरफोर्स में थे और देश की सेवा करते करते जब 23 साल तक एयरफोर्स में रहे और एयरफोर्स में पूरे भारत सरकार को अपनी सेवाएं दी और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट में काम किए लगभग 86 प्रोजेक्ट कितने थे आपके पास 46 स्टेशन को आप लीड कर रहे थे लगभग आधे भारत के एयरफोर्स के जो स्टेशन है हायर लेवल पे अपर लेवल पे ऑलरेडी आप कार्यरत थे और पुराना इनका जो बैकग्राउंड है एनवायरनमेंट साइंस से आपने पढ़ाई करी है उसके बाद में जब समझ में आया कि कोरोना के बाद जब दिखा कि एक्चुअल में ऑक्सीजन की सभी को आवश्यकता है आप लोगों को आवश्यकता है ऑक्सीजन की शायद चलने फिरने वाले प्राणी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो और हम सब ने कोरोना काल में फील किया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता सभी को है उसके साथ साथ किरण जी महाराष्ट्र से हैं उसके साथ साथ इन्होंने यह पाया कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी कम हो रही है तो ओटू पार्क की निर्मित की जाए पिछले कई दशक से किसान पाठशाला की टीम भी यही प्रयास कर रही थी कि ऑक्सीजन पार्क बनाए जहां पर भी बंजर जमीनें हैं जहां पर भी खाली जमीनें हैं क्योंकि फार्मर खेती कर रहा है वहाँ तो ओटू पार्क है उन्होंने तो पेड़ पौधे लगा रखे हैं बट कोविड के बाद इन्होंने घूमना सर्च करना चालू किया आगे बढ़ना चालू हुए और पिछले सत्र से ओटू पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके भारत ही नहीं भारत के बाहर भी देश विदेश में जाकर खाली जमीनों में पर्यावरण को लेकर के H2E2 का मॉडल बना रहे हैं ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं समय जब था जब देश की सेवाएं करी और निवृत्त होने के बाद में अभी समय है कि परिवार के साथ रहे उसके बावजूद प्रकृति की सेवा करने के लिए ओटू पार्क बना रहे हैं और उसी को लेकर के यहाँ हिंगोनिया गौशाला में 10 साल के लिए सेवारत अब हो रहे हैं और गायों की सेवा पर्यावरण की सेवा और हरियाली करते हुए आगे बढ़ेंगे तो विंग कमांडर अंजलि का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करूँगा कि उन्होंने किसान पाठशाला के साथ आगे बढ़ने का सोचा और ऑक्सीजन पार्क को पूरे भारत में पूरे विश्व तक पहुंचाने का सोचा थैंक यू अंजलि थैंक यू थैंक यू राजस्थान की ये चर्चा चलती रहेगी आप लोग मित्र भी स्वीकार करते हैं जो आप लोगों ने हमें राजस्थान की धरती पर इतना स्वागत देते हुए सुनने के लिए आप बैठे हो अब सारे सम्मान आपके हमने ले लिए हैं थैंक यू